गांधी जी के न्याय यात्रा के बारे में, सचिन पायलट जी का दौरा हुआ, 2 दिन का दौरा था, कल मैं भी उनके साथ था रायगढ़ में, जहाँ से वो उड़ीसा से वो आएंगे वहाँ से उनका स्वागत किया जाएगा, वहाँ झंडा उड़ीसा प्रदेश कांग्रेस कमेटी जो देगी उसे हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष उसे लेंगे, और उसके बाद फिर रायगढ़ और शक्ति होते हुए कोरबा और सरगुजा जाएंगे। तो उस तैयारी में हमारे महामंत्री जी और CLP और PCC दोनों साथ में हैं, और ज़बरदस्त तैयारी चल रही है और उत्साह भी लोगों में बहुत है। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि आएंगे हम जाके जनगणना देश में कराएंगे। बिल्कुल ज़रूरी है कि कौन सा वर्ग, हर वर्ग में, चाहे वो OBC हो, चाहे ST हो, चाहे SC हो, चाहे अपर क्लास हो, बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जो आज दौड़ में पिछड़ गए हैं, चाहे शिक्षा के क्षेत्र हो, चाहे वो रोजगार के क्षेत्र हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में कुछ जातियां हैं हर वर्ग में जो पीछे छूट गए हैं, उनकी भी भागीदारी होना चाहिए, ये मूल उद्देश्य जाति जनगणना का है। सर, झारखंड और लगातार देखिए 141 सांसदों को निलंबित कर दिया गया था पिछले, आज तक इतिहास में इतना नहीं हुआ था। और मांग क्या कर रहे थे, जो लड़के वहाँ लोकसभा के अंदर आए थे उनकी जो बात है वो बेरोजगारी की बात कर रहे थे, महंगाई की बात कर रहे थे, उसे चर्चा चाह रहे थे, वो कैसे आए, सुरक्षा में सेंध हुआ उस पर चर्चा चाह रहे थे, लोकसभा की सुरक्षा की बात, तो 2 विषय पे बात करना चाह रहे थे विपक्ष, और उसको उसमें चर्चा किए नहीं बल्कि उनको निलंबित कर दिया गया। तो आज देश की सुरक्षा के बारे में यदि आप बात करेंगे, देश में विकास की बात करेंगे, महंगाई और बेरोजगारी की बात करेंगे, तो आपको निलंबित कर दिया जाएगा या आपके खिलाफ ED, IT और CBI आपके पीछे लगा दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के वकील और ED की, IT की और मुख्यमंत्रियों पर जिस तरह से हो रही है, यहाँ भी IT की कार्रवाई चल रही है, किस तरह इसको देखें? ये विपक्ष मुक्त भारत, कांग्रेस मुक्त भारत कर रहे हैं, ये तो जितने भी विपक्ष में हैं या तो उनके साथ ही चल दो तो वो फिर पाक साफ हो जाता है, मोदी वाशिंग पाउडर जो मशीन है उसमें सब धुल जाते हैं, और जो उनके खिलाफ में खड़े हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। जिस प्रकार से झारखंड में हो, मुख्यमंत्री जी झुके नहीं, जेल जाना पसंद किया, मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ। लोकसभा में तो अड़चने आएंगी, ये बजट सत्र शुरू हो रहा है 5 तारीख से, कैसी तैयारी है विपक्ष की? अब जिस प्रकार से बजट सत्र में सामान्यतः सरकार के द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया जाता है उसी पर चर्चा होती है, और इसके साथ साथ जो असास के सदस्य हैं सब प्रश्न भी लगाते हैं, ध्यानाकर्षण, स्थगन, इन मुद्दों के माध्यम से जनता के जो आवाज़ है वो विधानसभा में उसे उठाया जाता है। तो हमारे विपक्ष की ओर से क्वेश्चन भी लगाए गए हैं, ध्यानाकर्षण भी होगा और स्थगन भी। स्थगन तो सामान्यतः जब नेता प्रतिपक्ष जब बैठक लेंगे और उसमें जो मुद्दे तय होंगे उसके बाद ही उसको लगाने की प्रक्रिया शुरू होगी। मोदी की आज ही गारंटी